हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशल बर्नवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में कैलकुलस पर बेस्ड एक्सरसाइज इंटीग्रल। ध्यान देंगे, कैलकुलस में एक चैप्टर आता है और वह चैप्टर कौन सा है? इंटीग्रल। और इस इंटीग्रल चैप्टर पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.4 के कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग को मिलता है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1/√ax2 + bx + c का इंटीग्रेशन कैसे करें। ठीक है ना, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोग अपलोड किए थे कि 1/ केवल क्या रहे? क्वाड्रेटिक रहे, यानी कि विदाउट रूट, स्क्वायर रूट वहां पर नहीं रहे। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि रूट के अंडर में है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले ध्यान देंगे कि अगर हम लोग ये जैसे पढ़े थे ax2 + bx + c का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, यदि आप इस लेक्चर को देखे हैं, इसके जस्ट पहले वाला है, तो अगर आप इस लेक्चर को देखें तो आपको ये लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? इसको समझिए, इसलिए कि ये जो देख रखे है क्वाड्रेटिक है, यहां पर भी क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक ना, तो बनाने का मेरा जो प्रोसेस रहेगा क्या रहेगा? बिल्कुल सेम, केवल चेंज कहां होगा? फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक ना, अब देखिए बनाते कैसे। तो देख रहे हैं इस पर हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग आई मान लेते हैं, अब जानते ही हैं dxy√2x − xx2 ऐसे हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, x² है, तो अगर क्वाड्रेटिक रहता तो हम लोग क्या करते हैं? उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, आपको एक लेक्चर इसी पर अपलोड किया गया है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं इसी से रिलेटेड एक लेक्चर अपलोड किया गया है, आप उसको अवश्य देखें, वो भी इंटीग्रल वाले प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो देखिएगा, हम लोग पहले क्या बताए थे उसमें कि ये देखे थे कि सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, तो x² को फ्री करना है। तो देख रहे हैं x² के साथ क्या है? माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं ये हो जाता है x², माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? दोनों का साइन चेंज करना। तो x² माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, +2x है तो माइनस में हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब ये बताइए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है तो इसको बाहर रखिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या जानते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x² को फ्री करते हैं, यानी x² के साथ कुछ भी रहता है उसको कमा लीजिए, कोई नंबर हो माइनस हो तो भी। दूसरा बात क्या होता है कि यहां पर हम लोग को देखना कि माइनस है कि प्लस, तो क्या देख रहे हैं? माइनस है। जब माइनस है तो हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है a − b² ये कैसे भी करके सेट करना होगा, यानी a² + b² − 2ab ऐसे होता है। आप पहले लिखिए +b² या बाद में लिखिए, बात तो एक ही होगा। तो यहां पर देखिए, ये हो गया x² − 2 × ध्यान दीजिए a² = 2 × a, तो यहां पर क्या है x² = 2 × x। अब क्या देख रहे हैं, इंटू में क्या है? b, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ और भी हमको चाहिए, जो रहेगा वो क्या होगा? b। तो अब सोचिए यहां पर क्या रखा जाए कि इस पूरे में मल्टीप्लाई करने से हम लोग यही मिले, तो देख रहे हैं कि 2x तो चाहिए और ये 2x आ चुका है, तो यहां पर क्या रखें? तो 1 रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जो ये b के स्थान पर आया प्लस में क्या है? b² यानी प्लस में 1 का स्क्वायर, और प्लस में 1 का स्क्वायर अपने मन से लिखे हैं इसलिए माइनस में भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, √ ये माइनस, और यहां ध्यान देंगे अगर आप देखेंगे तो इतना आप यहां पर लिखिए, फॉर्मूला जब सेट करेंगे तो किसका फॉर्मूला सेट होगा? a − b² यानी कि x − 1² और ये क्या है? −1 का स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताइए, इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो ये आता है, देखिए ये क्या हो गया, कंप्लीट स्क्वायरिंग के फॉर्म में चेंज हो गया, कंप्लीट स्क्वायरिंग यानी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। तो माइनस तो कमा लिए थे, माइनस रूट से बाहर निकलता नहीं है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस, ये माइनस, ये ऐसे हो जाएगा x − 1² ऐसे। अब एक आप फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? यहां देखिए फॉर्मूला जानते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स, ध्यान देंगे, प्लस सी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट तो होता ही है ना। आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां देख रहे हैं है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अभी आप देखिए तो क्या है, वन का स्क्वायर है, तो वन का स्क्वायर आप कर भी देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बताइए वहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। तो पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू टी, एक नया वेरिएबल पुट कर दिए तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, और ये तो आई ही है देख रहे हैं पूरा। तो देयर नाउ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी एक्स की जगह डी टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर वन का स्क्वायर, ये क्या है वन है, तो ये वन का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। और अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहां पर क्या है टी और बाई में क्या है वन प्लस सी, तो क्या आया, ये आया साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी का वैल्यू क्या पुट करेंगे एक्स माइनस वन, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी, एंड दिस इज एंसर। तो ये रहा ये वन बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म पर फर्स्ट एग्जाम्पल, इसके बाद देखते हैं कुछ और। एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू देखने लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू डी एक्स। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लेट आई इक्वल टू वन बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू और ये डी एक्स। तो देख रहे हैं यही फॉर्म है, तो लोग क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि वन बाई क्वाड्रेटिक हो या वन बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक ऊपर क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यानी कि वन बाई रूट अंडर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो ये एक्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस टू ए यानी कि एक्स बी। अब यहां पर क्या रखा जाए कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये टू एक्स आ जाए, तो देखिए टू एक्स चाहिए और यहां टू एक्स आ चुका है, तो क्या रखा जाए, वन, क्योंकि वन अगर मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो टू एक्स ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहां से थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो बी के स्थान पर क्या आया वन, प्लस में होता है बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर, तो ये वन का स्क्वायर तो हम अपने मन से लिखे हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा माइनस वन का स्क्वायर, और ये प्लस टू है तो इसको प्लस टू को प्लस टू रहने दीजिए, और ये डी एक्स। ये बताइए क्या हम लोग इतना का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बोलिए इतना का फॉर्मूला तो यूज हो ही जाएगा। तो ये आ गया कितना, वन बाई रूट अंडर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस में वन प्लस में टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में वन लिख सकते हैं, और ये डी एक्स। अब खुद सोचिए ये इस तीनों में से देखिए किसके बेस पर हो गया, तो अब देख रहे हैं इसको, तो ये कुछ ये इसके बेस पर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना है टी, तो डी एक्स बराबर कितना डी टी, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो नाउ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देंगे वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर, रूट अंडर क्या रहेगा, तो यहां देखेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना वन, और ये क्या है डी एक्स, डी एक्स नहीं बल्कि डी टी है। तो क्या इसके स्थान पर हम ये लिख दें, देखिए तो अगर आप इसको इसके जैसा देखेंगे तो क्या देख रहे हैं फॉर्मूला में, लॉग एक्स प्लस ये जैसे है वैसे ही, तो यहां पर भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको यहीं लिख देते हैं आप समझ जाएंगे। देखिए लॉग मोड एक्स था तो उसमें एक्स प्लस, देखिए एक्स है तो एक्स प्लस, इसमें क्या है टी है तो टी प्लस, फिर रूट के अंडर में जो है वैसे ही यानी वन प्लस टी स्क्वायर, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं ऐसा। अब बताइए क्या इसको हम लोग लॉग टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन, तो ये एक्स प्लस वन हो गया, प्लस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे यहां पर इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये रूट अंडर वन प्लस टी के स्थान पर क्या आएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग मोड ऑफ
एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू मोड प्लस सी। अब पूछेंगे ये कैसे, तो देखिए ये यहाँ देख रहे हैं आया है, और ये इससे आया, और ये इससे आया, तो वही आप लिख दिए, सही है ना। अब इस पर देखिए बेस्ट थर्ड एग्जांपल, देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड देखते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड। तो ये थर्ड नंबर एग्जांपल क्या है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर, और ये है रूट अंडर डी एक्स, ऐसे है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इसको भी। क्या इस सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको आई मान लेते हैं, तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर, और ये डी एक्स, ये भी। तो क्या देख रहे हैं, क्या इसमें किसी एक के जगह एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करें, और आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो टेन एक्स को हम क्या करते हैं, एक नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी पुट टेन एक्स इक्वल टू कितना टी, जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। तो देयर फोर आई इक्वल टू क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कैसे, तो क्या आएगा डी टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स है तो टेन की जगह टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस फोर है, तो क्या इसको हम लोग टू का स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। अब फिर आप देखिए कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला, तो अब देख रहे हैं सेकंड वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या है, लॉग एक्स प्लस जैसे है वैसे ही, तो यहां पर टी है तो टी प्लस जैसे है वैसे ही, यानी कि टी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे इसको, लॉग टी के स्थान पर उसका वैल्यू पुट कीजिए कितना टेन एक्स, तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहेगा अपना थर्ड। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इस लेक्चर में क्या नंबर है फोर है। तो फोर नंबर एग्जाम्पल देखकर लिखा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और ये रहेगा रूट में, यहाँ पर स्क्वायर रूट छूट गया है, ये यहाँ पर ऐसे रूट में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्या करेंगे इसको, सबसे पहले आई इक्वल टू जानते हैं हर बार की तरह, इस बार भी, तो ये क्या आया रूट अंडर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ऐसे आया। अब ये बताइए आप क्या देख रहे हैं यहाँ से कि रूट अंडर क्वाड्रेटिक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या बताया गया था आपको परफेक्ट स्क्वायर वाले लेक्चर में, आप देखे होंगे उसके, अवश्य नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्या बताया गया था कि एक्स स्क्वायर को फ्री कीजिए, तो फाइव तो कॉमन लेना पड़ेगा, और ये है स्क्वायर रूट यानी रूट, तो यहाँ से फाइव कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देख रहे हैं यहाँ फाइव नहीं है, तो नहीं है तो फाइव आकर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा ऐसे कितना टू एक्स बाई फाइव हो जाएगा ना ऐसे। अब क्या करना होता है इसके बाद, देखना है कि यह ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आएगा या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस है, यानी कि ये आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे फॉर्मूला होता है ध्यान देंगे, ये तो रूट फाइव तो बाहर है, ये देखिए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए। अब b के स्थान पर क्या रखें, यहाँ पर b होता है, तो यहाँ पर b के स्थान पर यहाँ पर क्या रखें कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए, तो क्या वन बाई फाइव रख सकते हैं, अब इसको सॉल्व करके देखिए ये आ जाएगा, आ जा रहा है, तो प्लस फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वन बाई फाइव का होल स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर अपने मन से लिखे हैं हम लोग, तो माइनस भी करना पड़ेगा वन बाई फाइव का होल स्क्वायर, ये क्योंकि ये क्योंकि अपने मन से प्लस स्क्वायर तो अपने मन से माइनस स्क्वायर, माइनस करने के लिए। अब आप देखेंगे और यहाँ से तो फॉर्मूला सेट हो चुका है, कैसे सेट हुआ है, अच्छा एक और चीज़ बताइए, ये रूट में फाइव है तो इसको रूट फाइव निकाल सकते हैं, कैसे वन बाई रूट फाइव ऐसे तो बाहर कर ही सकते हैं, तो क्या बचा यहाँ से, रूट में बच रहा है ध्यान देंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉर्मूला सेट है,
कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर प्लस यह माइनस है तो यह क्या रहेगा माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब आप देखिए कि कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो देखिए इसको अगर आप x मान लें, क्या करते हैं बोले t मान लेते हैं, क्या करते हैं पहले लोग t, तो पुट x माइनस वन बाई फाइव इक्वल टू टी, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू क्या आएगा dt आएगा, तो नाउ i इक्वल टू क्या आया dt टी बाई, ध्यान देंगे वन बाई रूट फाइव तो रहेगा बाहर, अब से देखिए क्या आएगा वन बाई रूट फाइव बाहर dt, किसके जगह dx के जगह dt, यहां से आ गया। फिर क्या आया इसको क्या माने हैं t सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो रूट अंडर t का स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर, ऐसे देख सकते हैं यहां से। अब इसको देखिए ये इस फॉर्मूले पर है, तो फॉर्मूला क्या है पहले तो वन बाई रूट फाइव लिख दीजिए, देखिए लॉग x है यहां पर एक्स स्क्वायर, तो x प्लस रूट के अंदर में जो है वही रहेगा, तो यहां पर t है ना, तो t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर, ऐसे प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ऐसे आएगा। अब क्या करना है हमको t का वैल्यू पुट कर देना है, तो ये आएगा वन बाई रूट फाइव लॉग t के स्थान पर ये x माइनस वन बाई फाइव प्लस रूट अंडर x माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ऐसे आएगा। अब थोड़ी इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा वन बाई रूट फाइव लॉग इस, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, यानी कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन बाई फाइव प्लस यहाँ से देखिए x का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू ए बी यानी वन बाई फाइव, लिख सकते हैं ऐसे प्लस में वन बाई फाइव का होल स्क्वायर, फिर माइनस में भी वन बाई फाइव का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ दिया गया है प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, और देखेंगे तो यहाँ से ये और ये क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बचेगा वो आप देख लेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, तो क्या आएगा ये आएगा वन बाई रूट फाइव आएगा ऐसे, और ये आया लॉग, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना जाएगा फाइव एक्स माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा, ऐसे प्लस है तो प्लस, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप जैसे है वैसे रहने दीजिए, यानी एक्स माइनस वन बाई फाइव, और आप सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे वैल्यू सिंप्लीफाई करके तो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, और ऐसे है तो ये भी सही है, प्लस रूट अंडर ये क्या है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन फाइव, ये प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट एंड दिस इज आंसर। तो ये देखिए आप इस लेक्चर में वन बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म पर कुल चार एग्जांपल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया है अगर आपको उस पर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट बॉक्स पर आप कॉमेंट अवश्य करें, आपको रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बढ़िया से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।